44 कानून थे इस देश के अंदर मजदूरों के लिए, वो 44 लेबर कोड खत्म किया जा रहा है, उनके बदले 4 लेबर कोड लाए जा रहे हैं, और 4 लेबर कोड ला के कहा जा रहा है कि हम इससे सुधार कर रहे हैं, लेकिन ये सुधार असल में मालिकों के लिए होने वाला है, असल में इससे मालिकों की तानाशाही बढ़नी है। आप ये कह रहे हैं कि हम 12 घंटे मिनिमम वेज टाइम होगा जॉब ड्यूटी का, यानी 12 घंटे ड्यूटी करेंगे उसके बाद ओवर टाइम लगेगा, तो इससे जानवर बना दिया जाएगा, और उसके अंदर तनख्वाह बढ़ने की कोई बात नहीं है, काम के घंटे बढ़ने की बात हो गई है लेकिन तनख्वाह बढ़ने की बात नहीं है। इसी तरीके से यूनियन बनाने का अधिकार है उसको छीना जा रहा है, इसी तरीके से जो न्यूनतम मजदूरी कानून है उसको कि उसके इतने ज़्यादा वर्कर होंगे तभी रखा जाएगा, तो इस ये सारे जो 4 लेबर कोड नए ला रहे हैं जिनको मोदी सरकार आने वाले समय पर लागू करेगी, इसके खिलाफ हम कहते हैं आज देश भर के अंदर मजदूरों को, मेहनत कशों को, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं उनको एकजुट किया जाए, संगठित किया जाए, क्योंकि ये तानाशाही जब है इन्हें मजदूरों को गुलाम बना के काम कराया जाएगा, और इससे पहले 10 सालों में भी देख लिया है कि टाटा बिरला अंबानी के लिए जिस तरीके से सेवा की है मोदी सरकार ने, वो सेवा को और बढ़ चढ़ कर करने की तैयारी चल रही है।